वेलकम बैक स्टूडेंट्स विशाल गुप्ता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको क्लास ट्वेल्व सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का उसका सोलूशन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ठीक है जी कैलकुलेट क्या करना है मैं एक बार आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जालको लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल दी है और बारह परसेंट डिबेंचर दिए हुए हैं गाइज ठीक है जी तो इसमें हमें क्या करना है ये देखिए ये दो हज़ार इक्कीस है दो हजार बीस है पिछले साल दस लाख था अब ये बारह लाख हो गया दो लाख का इंक्रीज आ गया पिछले साल डिबेंचर एक लाख के थे अब कितने क्योंकि दो लाख के इसका मतलब एक लाख का इंक्रीज आ गया तो गाइज इसका मतलब क्या हुआ आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट भी पे करना है हमें एक इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक तो डेट नहीं गिवन दूसरा उसने अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया है इशू हुआ ना नया एक लाख उसकी डेट नहीं पता हमें डिविडेंड पेड इन द ईयर कितना है पचास हजार एंड ड्यूरिंग द ईयर जालको लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशो फाइव इज टू वन बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व ओके तो इसका मतलब ये जो इंक्रीज आपका दो लाख आया उसमें कैश नहीं आया हमने कैपिटल कैपिटलाइज़ किया है रिजर्व्स को मतलब प्रॉफिट का हिस्सा जो रिजर्व के फॉर्म में रखा होता तो है उसी को ही यूटिलाइज़ किया है नया कैश नहीं आया तो ये कैश फ्लो में नहीं आएगा तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करके देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन तो हमने लिखी लिया है यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ठीक है जी तो यहाँ पे इनफ्लो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ठीक है जी ये इनफ्लो हो गया और दूसरा यहाँ लिख लेंगे आउटफ्लो ठीक है जी कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ठीक है गाइज तो यहाँ पे ये आ गया यहाँ पर ये, ये आ गया और ये आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स और वो कितना है गाइस हमारे पास एक लाख का इंक्रीज हुआ है ना बेटा तो यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन पेड कितना गाइस नाइनटीन थाउजेंड का उसके बाद डिविडेंड पेड कितना है पचास हजार का और ये दोनों फिगर्स माइनस में आएंगी तो अब इसका आंसर आ जाएगा एक लाख में से हमें पचास हजार माइनस कर दिया और उन्नीस हजार माइनस कर दिया एक लाख में से हमने नाइनटीन थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड माइनस कर दिया थर्टी वन थाउजेंड तो आंसर देखिए थर्टी वन थाउजेंड है यस थर्टी वन थाउजेंड है तो यहाँ पे आ जाएगा कैश नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ठीक है गैस तो नोट के फॉर्म में आप लिख सकते हो For equity shares, as bonus shares are issued by utilizing capital reserve, and no cash has been transacted or received. सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल नॉट बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है का ये स्टेटमेंट हमें रीजन के फॉर्म में ये आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपने इसको क्यों किया ऐसा ठीक है जी क्वेश्चन में भी देखो तो नीचे हिंट में आपको ये लिख के दिया हुआ है ठीक है जी तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक बार आप देख लीजिए बड़ा इंटरेस्टिंग था ऐसा क्वेश्चन अभी आपने नहीं किया ओके okay जी जिसमें रिजर्व यूटिलाइज किया हो ठीक है स्टूडेंट्स तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए ठीक है जी आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा ओके okay जी विशिंग यू गुड लक डन